बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल कंप्लीशन शीट के मुताबिक बताऊंगा जो कि आप साइट की वर्किंग करते हैं ऑन साइट रिक्वायरमेंट्स, रोड पेवमेंट मटीरियल्स क्वान्टिटीज कंप्लीशन के मुताबिक। तो रोड पेवमेंट्स के अंदर कौन कौन सी मटीरियल्स आते हैं, आपके एस्फाल्टिक वेरिंग कोर्स आ जाता है, एस्फाल्टिक बेस कोर्स, वाटर बाउंड और इसी तरीके से सब बेस। तो इनकी मटेरियल्स की कैलकुलेशंस आप जिस टाइम साइड के ऊपर डंपिंग करवाते हैं या आपको कहीं भी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी रीच से लेके इस जगह इस आरडी से लेके इस आरडी तक हमें कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है और हमें कितने डंप ट्रक्स हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक ये कैलकुलेशन शीट है। बहुत ही यूजफुल शीट है, आप इसको जस्ट आपने जैसे इसके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करना है और जैसे नीचे आपकी कैलकुलेशन सारी आ जाएगी जिसके अंदर ये पूरी डिटेल आपके सामने इधर नज़र आ रही है। उसी कैलकुलेशन की एस्फाल्ट के ऊपर है, डायनेस्टी एस्फाल्ट है, एस्फाल्ट नेट वेट है, कंपैक्शन फैक्टर है, इसी तरीके से टोटल वेट एस्फाल्ट का आ जाएगा और नीचे इसी तरीके से उसके डंप ट्रक की क्वांटिटी और नीचे टोटल नंबर ऑफ डंप ट्रक्स वगैरह आ जाएगा। इसी तरह एस्फाल्टिक बेस कोर्स है, इसी तरीके से वाटर बाउंड है और इसी तरीके से सब बेस की क्वांटिटीज़ आपके सामने है। तो ये प्रोग्राम दोनों में यूज़ होता है, मीटर्स के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो तो एम प्लस कर दें और फिट्स के अंदर यूज करना चाहेंगे तो एफ प्लस कर दें, तो ये आपके सामने सारे फिट्स में क्वांटिटीज इसकी आ जाएंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो आप ये इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, आप इसमें यूनिट्स में मीटर प्रेस करेंगे तो आपके पास मीटर्स में सारी क्वांटिटीज इसकी कन्वर्ट हो जाएंगी और फिट्स में करेंगे तो सारी क्वांटिटीज आपकी फिट्स में आ जाएंगी। तो इसके लिए इनपुट आपने करना है, अगर ये स्वाल्ट वेरिंग कोर्स है, सबसे पहले आप कोई भी लेंथ अपनी जो रीच है जितनी भी आपके पास जितनी स्वाल्ट होनी है उसकी आपने लेंथ दे देनी है। अगर आपके पास 500 फीट उसकी लेंथ है और इसी तरीके से उसकी जो विड्थ हैगी वो उसकी 40 फीट उसकी विड्थ हैगी और थिकनेस आपके पास स्वाल्ट की जितनी भी है 0.05 है या 0.075 है, आप उसको फिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आपने इधर इसको इंचेस के अंदर लिखना है। तो ये आपके पास अगर 2 इंच है तो आपने इक्वल टू 2 / 12 कर देना उसको, तो ये आपके पास 2 इंच की विड्थ आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी। अगर आपके पास इधर 1.5 है तो आपने 1.5 / 12 रख के और इसकी थिकनेस आपने इधर ऐड कर देनी है। तो ये आपने फिट्स में जब काम करना है तो आपने इस चीज़ का इसके अंदर ख्याल रखना है कि आपकी जो थिकनेस होगी वो भी फिट्स के अंदर आनी चाहिए, इंचज के अंदर नहीं होगी। तो ये जब आप तीनों चीज़ें इसके अंदर इनपुट कर देंगे तो नीचे ये आपके पास कैलकुलेशन वाला ऑप्शन है जिसके अंदर लेंथ विड्थ थिकनेस है, आपके पास टोटल CFP क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद डायनेस्टी ऑफ स्वाड 145 lbs यूज़ होती है इसकी 1 CFD के अंदर और इसी तरह नेट वेट उसका जो है इस पूरा कैलकुलेशन इसकी हुई हुई है सारी। तो ये डायनेस्टी आप देखेंगे तो ये इसके अंदर मीटर के अंदर हमारे पास 2330 यूज़ होती है और फिट्स के अंदर 145 lbs यूज़ होती है। तो इसकी डेनेस्टी आपने इसी तरीके से करने में नीचे आपके पास नेट वेट आ जाएगा। उसके बाद कंपैक्शन फैक्टर आपने लगा देना है, स्वाड का जो कंपैक्शन फैक्टर होता है वो 1.28 से लेके 1.3 तक होता है, वो उसकी थिकनेस के हिसाब से होता है। ये इसी तरह आपने इधर इसके अंदर जो भी आपके पास उधर थिकनेस आपके GMF के हिसाब से है तो आपने इधर लगा देनी है। ये इसमें माइनर सा फ़र्क आता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो आपकी जो कंपैक्शन फैक्टर होगा वो 1.28 से लेके 1.30 तक के दरमियान में ही होता है, ये आपने इधर इसका लगा देना है। उसके बाद टोटल वेट आपका स्वाल्ड का आ जाएगा, कंपैक्शन फैक्टर आप लगा देंगे उसके बाद ये आपके पास टोटल वेट आ जाएगा। उसके बाद टोटल वेट स्वाल्ड का आपका 210.52 टन आएगा। तो ये टन है, अगर ये इधर मैं लिख देता हूँ उधर, तो ये आपके पास उसका जो वेट आएगा ये टन के अंदर आ जाएगा। टोटल वेट ये आपके पास वेट आएगा उसका कंपैक्शन फैक्टर के साथ, और उसके बाद अगर केजी में वेट्स होएगा एलबीज के अंदर, और अगर आपने टन्स के अंदर निकालना है तो ये आपका टन्स के अंदर वेट आ जाएगा, नीचे ही आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल इन डंप ट्रक, आपका एक जो डंप ट्रक है उसके अंदर आपने मटेरियल प्रिपेट कर लेना है। वो कैसे करना है, आपने डंप ट्रक के अंदर तो आपके पास जो डंप ट्रक या डब्बर है उसके अंदर उसकी लेंथ है इजिकल टू कर लेना, लेंथ अगर उसकी 12 फीट उसकी लेंथ है और उसकी जो विड्थ है कि वो 4 फीट है और इसी तरीके से उसकी जो हाइट है वो भी आपके पास 4 फीट आ रही है, तो आपने इधर उसका टोटल CFD बना देना है उसके अंदर। उसके बाद इजिकल टू आपने कर लेना है 192 × 145 के साथ, तो ये आपके पास LBs के अंदर आ जाएगी और इधर से आपने उसको टन के अंदर आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो टोटल जो क्वांटिटी आएगी LBs के अंदर उसके आपने डिवाइड कर देना है
08 के ऊपर। ये आपके पास 12 टन का माल आ जाएगा, आप इधर ये इसको देख सकते हैं। इधर मापस फिट्स के अंदर 2204 है हमारे पास, तो इधर 2204 आपने कर देना है इधर। तो ये आपके पास एक डंपर के अंदर 12 टन माल आ रहा है। तो ये आपको डंपर जो होते हैं वो उसकी लेंथ, उसके साइजेस हर प्रोजेक्ट के ऊपर अलग अलग होते हैं। आपके पास 15 फिट की है तो आपने उसको 15 फिट के हिसाब से कर देना है। इसी तरीके से आपके पास अगर वो 20 फिट उसकी लेंथ और उसके साइजेस में फ़र्क है, और इसी तरह उसका हाइट 6 फिट है और उसकी जो विड्थ हैगी वो आपकी 6 फिट है, तो आपने उसके हिसाब से इसको बना देना है। तो ये आपने इधर जो भी आपके पास डंपर के हिसाब से क्वांटिटी आएगी वो आपने इधर कर देना है। वैल्यू 24 मैंने इधर जस्ट लिखा हुआ है कि एक डंप ट्रक के अंदर 24 टन माल आता है। तो इधर से आपके पास जब आपने ये इनपुट करना है वन डंप ट्रक के अंदर, तो टोटल ट्रक आपके पास आ जाएंगे 8.722 हमारे पास डंप ट्रक आ रहे हैं इधर 500 मीटर के ऊपर 400 मीटर पर है, और उसकी थिकनेस के हिसाब से ये डंप ट्रक हमारे को रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस तरह सॉल्ट बेस कोर्स है, आपने इधर फिट के अंदर उसकी क्वांटिटी इनपुट कर देनी है। अगर आपके पास वो उसकी लेंथ 250 है और विड्थ इसकी 25 फिट है, और इसी तरीके से थिकनेस उसकी आपने इधर इनपुट कर देनी है। इधर से इज इक्वल टू करना है और 1.5 इंच है आपके पास, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, ये आपकी थिकनेस आ जाएगी। इसी तरह अभी ये काम आपके फिट्स के अंदर, अगर 2 इंच की थिकनेस है 2 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये आपकी थिकनेस आ जाएगी। 2.5 है तो आपने 2.5 इंच कर देना है, तो ये आपकी सारी थिकनेस इधर आ जाएगी। नीचे इसी तरीके से उससे कंप्रेशन लगी हुई है, आपके पास टोटल जो आपके पास सी एफ टी स्वाट आ जाएगी 1302.083, डेंसिटी ऑफ स्वाट इसकी 145 ही है, और इसी तरीके से नेट स्वाट का जो वेट आ जाएगा आपका टोटल किलोमीटर के साथ एलपी के साथ मल्टीप्लाई होएगा। और इधर इसका जो कंप्रेक्शन फैक्टर चलता है स्वाटिक बेस कोर्स का वो 1.23 से लेकर 1.26 तक का चलता है। तो आप इसके दरमियान में जितना भी आप लगा जो रिक्वायरमेंट आपके पास है आप उसके दरमियान में इसको लगा सकते हैं। इधर आपके पास टोटल वेट आ जाएगा स्वाल्ड का, उसके बाद टोटल वेट स्वाल्ड का आपका टन्स के अंदर आ जाएगा, और इसी तरीके से मटेरियल डंप ट्रक का आप जितना आपके पास रिक्वायरमेंट है जितना डंप ट्रक आता है वो आप लगा देंगे। तो नीचे उसके डंप ट्रक के नंबर्स आ जाएंगे कि आपको इतने नंबर्स आपकी इस रीच के ऊपर रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से आपने वाटर बाउंड मैगडम के अंदर भी आपने लगा देना है, जो भी आपके पास लेंथ बनती है 250 की बन रही है और 15 फीट उसकी हाइट है और थिकनेस उसकी 0.5 है। 0.5 के हिसाब से आप अगर इधर करते हैं इज इक्वल टू 6 इंच की है, आपने 6 डिवाइडेड 12 कर देना है फिट्स के अंदर, तो आपकी 0.50 आ जाएगी। नीचे इसी तरीके से वाटर बाउंड का टोटल मटेरियल आ जाएगा, उसके अंदर आपने स्टोन डस्ट की रेशियो इसके अंदर ऐड करनी है। ये 30% 28% से लेकर 35% के दरमियान में ये यूज़ होती है। जितनी आपके पास रेशियो यूज़ हो रही है वो आपने इधर लगा देना है, तो आपके पास इस मटेरियल के हिसाब से इसके अंदर स्टोन डस्ट की क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। आपके पास इधर 35% है तो आपने इधर 35 कर देना है, उसको 30 यूज़ हो रही है तो आपने इधर उसकी 30 कर देनी, तो ये आपकी उसकी क्वांटिटी टोटल आ जाएगी। इसी तरह कंप्रेक्शन फैक्टर्स का 125 से लेके 135 तक यूज़ होता है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, आपने इधर उसका फैक्टर लगा देना है जितना भी आपके पास लगाना चाहते हैं इस रीच के दरमियान में ये यूज़ होता है। उसके बाद टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाउंड है ये आपके पास आ जाएगी सी एफ टी के अंदर। इसी तरीके से मटेरियल आपका वन डंप ट्रक के अंदर जितना मटेरियल आता है 850 मटेरियल आता है इसके अंदर मैक्सिमम मटेरियल होता है, आप इधर उसको लगा सकते हैं। इधर अपने मटेरियल डंपर के हिसाब से आपने इसकी क्वांटिटी इधर कैलकुलेट करके इधर इसके अंदर इनपुट कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टोन डस्ट का पहला जो होएगा। उसके बाद डंप ट्रक की आपकी वाटर बाउंड की क्वांटिटी टोटल आ जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ डंप ट्रक्स आपके वाटर बाउंड के, और इसी तरीके से डंप ट्रक्स आपके आ जाएंगे स्टोन डस्ट के। तो आपने ये इसके अंदर इसी तरीके से ये इनपुट कर देनी चीज़ें, आप जितना भी फैक्टर इसके अंदर चेंज करेंगे तो ये आपकी चीज़ इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। नीचे आपके डंपर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, नीचे डंप ट्रक्स के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है सबबेस का, सबबेस भी आपने इस तरीके से उसके अंदर उसकी विड्थ को आपने इनपुट कर देना है। 200 फिट अगर उसकी लेंथ है और इसी तरीके से 20 फिट उसकी विड्थ है, और उसकी थिकनेस आपके पास अगर 8 इंच की आ रही है तो आपने इज इक्वल टू
8 डिवाइडेड बाय 12 कर देना तो ये आपके पास की थिकनेस आ जाएगी, ये टोटल उसका मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद इसके कंप्रेक्शन फैक्टर भी इसका 1.25 से लेके 1.35 के बिटवीन यूज़ होता है। तो जो मटेरियल आपका इधर यूज़ होएगा उसके अंदर सेग्रीगेशन वगैरह और इस तरीके से सब इसके अंदर मिक्सिंग की जाती है फाइन मटीरियल्स की मटीरियल के हिसाब से, उसके हिसाब से इसकी थोड़ी सी परसेंटेज के अंदर डिफरेंस होता है जो लिखी हुई है, तो ये आपने उसके हिसाब से इसके ऊपर लगा देना। तो ये आपके पास टोटल क्वान्टिटी आ जाएगी डम ट्रक उसकी मटीरियल की फैक्टर के हिसाब से, आप इसका 1.3 करेंगे तो ये आपके पास 1.3 का फैक्टर यूज हो जाएगा। और इसी तरीके से एक डंप ट्रक के अंदर आपका जितना मटेरियल आ रहा है वो आपने इधर इनपुट कर देना। वैसे मैंने 850 इधर फार्मूले के हिसाब से लगाया हुआ है मीटर और फिक्स का दोनों का। आपके पास मटेरियल डंप ट्रक्स अलग अलग आते हैं तो आपने इधर उसका मटेरियल इधर लगा देना है, उसके बाद टोटल डंप ट्रक्स आपके पास सब बेस के भी आ जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं आपने ऊपर से जो भी मटेरियल आप इनपुट करेंगे इसके अंदर आपके पास टोटल क्वान्टिटी स्वाट की टेन के अंदर और नीचे उसका डंप ट्रक्स टोटल आ जाएंगे। आपने साइड के ऊपर आपने कितने ट्रक्स मंगवाने इसी तरीके से सफेद सॉलिड बेस को उसके और इसी तरीके से वाटर बाउंड और सब बेस का। ये तो था हमारा फिट्स के अंदर। आपने इसी तरीके से अगर मीटर्स के अंदर काम है आपने जैसे यूनिट्स के अंदर आना है और मीटर प्रेस कर देना है और जो जो लेंथ आपकी मीटर के ऊपर आपके पास आ रही है आपने वो लेंथ इधर से दे देनी है। 200 मीटर है 200 मीटर कर देनी है, ब्रेथ आपके पास इधर 20 मीटर की ब्रेथ है 20 कर देनी है और इधर आपने थिकनेस उसकी जो ड्राइंग के अंदर आपके पास दी गई है 0.050 की तो आपने उससे उसकी थिकनेस इनपुट कर देनी है। नीचे इसके कैलकुलेशन के ऊपर मीटर और फिट्स के अलग अलग फार्मूला लगे हुए सारे आप टोटल आप ये देख रहे हैं इधर से, उसका भी आपने इसी तरीके से कंप्रेशन फैक्टर इनसे ऐड कर देना है। इसकी एलबीज वगैरह नीचे सारी उसकी इसी तरीके से डिवाइड होगी। तो अगर आप मीटर्स में काम करेंगे तो आपके पास जो इसकी डायनेस्टी और स्वाल्ट आएगी वो 2330 आएगी और फिट्स में काम करेंगे तो 145 की एलबीज आएंगे। तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली है, इधर से आपने डंप ट्रक भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेट करके उसके अंदर एक डंप ट्रक के अंदर जितना माल आ रहा है 24 टन आ रहा है तो आपने 24 टन के ऊपर उसको डिवाइड कर देना तो 24 डंपर आपके बन जाएंगे। इसी तरीके से आपने इसके अंदर भी इसकी विर्थ को इनपुट कर देना है। सॉलिड बेस कोर्स की विर्थ आपके पास जो भी आ रही है 15 फिट है और इधर से आपने उसके बाद थिकनेस 0.075 की थिकनेस है तो आपने इधर इनपुट कर देनी है। उसी तरीके से नीचे उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और डंप ट्रक आपके पास नीचे उधर क्वांटिटी में आ जाएंगे। वाटर पाउंड का भी सेम टू सेम इसी तरीके से इसके अंदर पास आपने इधर से जो थिकनेस है उसका हिसाब रखना आएगा कि अगर आपके पास इधर मीटर्स में काम कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस आपने मीटर्स के अंदर देनी है और फिट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने उसको डिवाइड करना है। तो नीचे सारा का सारी कैलकुलेशन आपके सामने उसी तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से आपके पास फिट्स के अंदर हुई है। पूरी डिटेल इसकी बनी हुई है सारे इसके अंदर ओपन शीट आएगी, बहुत यूज़फुल शीट है आपके साइड मटेरियल के हवाले से। आप इसको मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके फील्ड इंजीनियर्स और सर्वेयर्स फोरमैन वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल शीट है। क्योंकि उन्होंने मटेरियल मंगवाना होता है कि हमने इस रीच के ऊपर हमें वाटर बाउंड करना चाहिए, सर्वेस करना चाहिए, स्वाल्ट के डंपर्स करने चाहिए, स्वाल्ट बेस कोर्स के डंपर्स वगैरह करने चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत यूज़फुल शीट है। आप उसको अपने मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर के अंदर आप उसको सेव करके और उसको बहुत यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।